ओके, सपनों से भरी हमारी दुनिया, तो सपने कौन नहीं देखता? आपने देखे हैं? आप बताओ, आपने देखे हैं? अब आप कैमरा होल्ड करोगे कि बताओगे? आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। ये सपनों भरी दुनिया है, और जो ये स्टोरी बताती है वो ये है कि सपने देखना बुरा नहीं है, सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखो और अपनों को साथ लेकर चलो। तो ये कहानी है रावी और ऋषि की, रावी जो कि पंजाब से आई है, और वही खुले दिल की चक दे फट्टे नप दे किल्ली, सिद्धू जी की याद आ जाती है, उन्हीं वैसी ही है। तो वो यहाँ पर आती है और चौल सिस्टम देखती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लाइक इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मतलब उसे बहुत अच्छा लगता है। पर धीरे धीरे शी अंडरस्टैंड्स कि मतलब हर किसी को अपनों को अपने साथ लेके जाना, फिर अपनी स्पेस, मतलब स्पेस शी वॉज मिसिंग, बट स्टिल शी एडजस्ट शी, बिकॉज शी लव्स एवरी वन। और ऋषि वो देखता है, वो बोलता है कि यार अब अपना घर लेते हैं। तो ये कहती है कि अगर अपना घर लेना है तो लेंगे, बड़ा घर लेंगे, लेकिन सबको साथ मिलके लेंगे। तो ये सपनों की कहानी है, मेरी कहानी, तुम्हारी कहानी। तो जैसे रावी ने कहा, अभिषेक महाराष्ट्रीयन लड़का है और रावी पंजाबी है, तो एक कल्चरल डिफरेंस है यहाँ। मैं कल्चरल से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि वी बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स, तो वहाँ के तौर तरीके अलग है, यहाँ के अलग है। वहाँ शायद वो रावी के पास एक खुद का कमरा है और यहाँ पे नहीं है कमरा। तो रावी कम्स हियर एंड वो एडजस्ट कर लेती है। तो रावी कभी नहीं कहती कि यार ऐसे करो, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे अकेले रहना, ऐसे कभी नहीं कहती। बट ऋषि इज़ ऑब्जर्विंग दिस समवेयर कि यार शायद रावी को प्रॉब्लम्स होती होंगी, रावी को भी ज़रूरत होगी थोड़ी बहुत प्राइवेसी की। दैट्स द रीज़न ऋषि स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट अ हाउस, बट दैट्स वेयर रावी कम्स इनटू द पिक्चर एंड सेज लेंगे, बड़ा घर लेंगे, लेकिन हम सब के लिए। और फिर एक कॉमन सा क्वेश्चन आप पूछेंगे, उससे पहले मैं ही बोल देती हूँ, डिफरेंट क्या है और आपका, मतलब इट्स अ नॉर्मल डेली सोप। एक बात बताओ, मुझे ये फील होता है, मैं एक लड़की हूँ, मैं बाहर से आई हूँ, आई एम फ्रॉम शिमला, मैं मुंबई आई हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई हूँ, कुछ अचीव करने आई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर वालों को पीछे छोड़ दूँगी या मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं जो कर रही हूँ हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए, हम सबको साथ लाने के लिए कर रही हूँ। तो वैसे ही है ये कहानी, आप सब इससे रिलेट करेंगे। और जब एक आम इंसान किसी चीज़ से रिलेट करता है ना, और उसे ये लगता है कि हाँ ये यार ये तो ऐसे होता है। और ये जैसे सर ने भी कहा था, ये सिर्फ चौल की कहानी नहीं है, ये छोटे छोटे शहरों में भी लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, उनके सपने बड़े होते हैं फिर भी वो प्यार से रहते हैं। तो इट्स अ वेरी क्यूट स्टोरी। आई थिंक एज मच एज वी लव आवर कैरेक्टर्स, you will love the show too, and every character in the show, trust me, is beautiful. एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, मैं बोल भी रही थी स्तवन से, जब हमारा शो के प्रोमोज आए थे तो हमें बहुत सारे लोगों ने बोला था, यार ये इस मूवी की तरह लगता है, यार ये इस शो की तरह लगता है, यार नहीं, जैसे एक क्वेश्चन भी बीच में आया था, ये एक राजश्री के शो की तरह, मूवी की तरह लगता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, तो आई वॉज थिंकिंग यार लोग ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि ये इसकी तरह लगता है, उसकी तरह, बट द थिंग इज लोग उसके बारे में सोच रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़, आपने कहा कि किसी मतलब मैं किसी का पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम नहीं लूँगी, बट जैसे आप देख सकते हो ये लड़की कहीं और से आई है और वो कैसे एडजस्ट करती है, ये मतलब ये वो वाली स्टोरी है प्यार से रहने की, बड़ा घर ढूंढने की। आई थिंक इन इट्सेल्फ इट्स डिफरेंट, बट इट्स कॉमन टू द पीपल हैव कम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज और स्टेट्स टू मुंबई। द वे आई टोल्ड यू, एक्चुअली मेरा जो कैरेक्टर है और स्तवन शिंदे इन रियल, दे आर प्रीटी मच सिमिलर। उसके आगे जाके जैसे आपने कहा कि कोई शोज़ की वजह से आपको ज़्यादा मोटिवेट हुए हो आप, तो मैं एग्जैक्टली वो तो नहीं कह सकता, बिकॉज जब भी हम सिलेक्ट होते हैं तभी ये तो पता नहीं होता है कि शो किसके बारे में होने वाला है एग्जैक्टली, एंड वॉट इज़ द एग्जैक्ट ब्रीफ अबाउट इट। बट आई वुड से कि मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, आई हैव बीन स्टेइंग इन मुंबई फॉर लॉन्ग, द वे आई एम स्ट्रगलिंग, जैसे मैं रहता हूँ, मेरे दोस्त हैं, तो आई हैव सीन पीपल लिविंग लाइक दिस, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पास से देखा है, एंड दैट इज़ वेयर आई थॉट कि अगर मैं ये करूँगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगा, एंड आई कैन कन्वे माई मैसेज वॉट एवर आई वॉन्ट। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेके ये शो बनाए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हमें शूट करते हुए, और मेरी गारंटी है कि आप सब इससे रिलेट कर पाओगे, लाइक वॉट एवर द एज ग्रुप इज, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। सो प्लीज़ 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 गो वॉच दिल ढूंढता है।
ऑन जी टीवी 10:30 PM मंडे टू फ्राइडे और फ्रॉम 21st of September। और रावी की भाषा में बोला जाए, मैं चंगी ते मेरा मन चंगा, बाबा जी राह दिखाए ता अड्डा रहे ना कोई पंगा। तो अब इतने खूबसूरत कैरेक्टर्स को नहीं देखोगे तो यार, और हाँ टीवी पे देखना, मेरे फैंस को मैं स्पेशली बोल रही हूँ, टीवी पे देखना